निधि होम चेस पर आपका स्वागत है। आज हम एकदम चटपटे, टेस्टी और क्रिस्पी से स्नैक्स बनाएंगे जो कि बड़ी ही आसानी से किसी भी समय बनाए जा सकते हैं। झटपट से ये बन जाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमेशा हमारे घर में मौजूद होती है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे एक बार खाओगे तो आपका बार बार इसे बनाने का मन करेगा। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। हमें इसे ग्रेट ही करना है। अगर इसे हाथों से मैश करेंगे तो इसमें आलू के चंक्स रह जाएंगे, जबकि हमें इसे एकदम फाइन करना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे ये चावल का आटा। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर चावल के आटे का ही यूज़ करना है, राइस फ्लावर का। तो इसमें चावल का आटा डाल देंगे। तो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस स्नैक रेसिपी के लिए। अब नमक और मिर्च ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, या आपको जो चीज़ नहीं डालनी इसमें वो आप नहीं डाल सकते हो। तो मैं इसमें पहले नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद के अनुसार। साथ ही में मुझे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालना है। अब 1 टीस्पून इसमें मैं ये गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा धनिया भी अवेलेबल है, तो मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मैश करेंगे अपने हाथों से और एकदम डो की तरह इसे हम तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लेना, और जो नहीं है उसे आप अवॉइड कर सकते हो। बस मेन इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी के बॉइल्ड आलू और चावल का आटा है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से मैश करते हुए। तो ये देखिए, एकदम रोटी के आटे की तरह मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके हम छोटी साइज के स्क्वायर्स तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो बॉल की शेप में भी इसे तैयार कर सकते हो, या जो भी शेप आपको पसंद हो वो शेप आप इसे दे सकते हो। ये देखिए, इस तरह से मैं सभी स्क्वायर्स पहले बना करके रख लूँगी एक प्लेट में। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में मीडियम आंच पर तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल जब अच्छे से मीडियम हॉट हो जाएगा, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म और ना बिल्कुल ठंडा, तब हम इसमें ये बनाए हुए पीसेस एक एक करके डालते जाएंगे। और एक साथ ज़्यादा पीस भी हमें नहीं डालना है, नहीं तो तेल का टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से ये फट सकते हैं, बिखर सकते हैं। तो इन्हें हम पहले इसी तरह से फ्राई होने देंगे, और जब ये इस तरह से तेल में ऊपर तैरने लगे तब हम इन्हें पलटेंगे और अच्छा सा सुनहरा क्रिस्पी हो जाने तक इन्हें हम फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, अब इन पर बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी और फुले फुले हो चुके हैं, ये देखिए। तो इन्हें हम निकाल लेंगे किचन टॉवल पर, यानी कि किचन टिश्यू पर, और सभी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सभी पोटैटो नगेट्स हम इसी तरह से तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे इसमें से। तो ये लीजिए, हमारे क्रिस्पी और एकदम चटपटे पोटैटो राइस नगेट्स बनकर तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ये एकदम थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला स्नैक होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आएगा। और आपने देखा है कि इसे बनाने के लिए कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है और बहुत ही कम समय में बनकर ये चटपटा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे ट्राई करें। समर वेकेशन में बच्चों को ये खाने में बहुत पसंद आएगा। और अगर आप चाहो तो इन्हें शेप देने के बाद आप इन्हें साइड में लगभग 2 से 3 घंटों के लिए रख सकते हो, और जब भी आपको खाना हो तो फटाफट इन्हें फ्राई करके गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय कर सकते हो। गर्मा गर्म इसे आप टमाटो केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो, और ऐसे भी खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ईटी मिशेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की यमीशियस रेसिपीज मिलती रहें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस पोटैटो राइस नगेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यमीशियस।